ऑल, वेलकम टू माय चैनल जस्ट अ ग्लिम्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी मूवी 14 फेरे के बारे में। ये मूवी Zee5 पे रिलीज हो चुकी है। मैं आपको इस मूवी के बारे में बताऊं, उससे पहले आप जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तो वो बहुत ओके सा था, मतलब कुछ खास नहीं था, पर मूवी तो मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं लगी। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये था कि शादी में तो 7 फेरे होते हैं, यहाँ ये 14 फेरे का क्या फंडा था भाई? तो ये जानना है, इसके लिए आपको मेरा रिव्यू एंड तक देखना होगा। तो मूवी की मेन कास्ट में है विक्रांत मैसी और कीर्ति खरबंदा। अब विक्रांत की एक्टिंग पे तो अभी तक तालियां और शोर शराबा हसीन दिलरुबा के बाद थमा नहीं है। हसीन दिलरुबा में जो विक्रांत की एक्टिंग थी उसको लोग अभी तक नहीं भूले, और फिर आ जाती है ये एक और मूवी। तो विक्रांत तो मैं बोलूँगी कि एक्टिंग के जैम है जो अभी दिख रहा है। और विक्रांत के साथ कृति खरबंदा का क्या है, वो बहुत स्वीट लग रही हैं मूवी में और बहुत ही अच्छी भी दिख रही हैं, पर उनका रोल, लुक और एक्टिंग बहुत सिमिलर है उनकी पुरानी मूवी से। वो मूवी शादी में ज़रूर आना, शायद आप लोग ने देखी हो या नहीं देखी हो, पर एक बार देखिएगा तो एग्जैक्ट मतलब काफ़ी कुछ सिमिलर लगेगा उनके लुक्स में। पर विक्रांत तो विक्रांत ही थे इस मूवी में भी, मतलब उनकी एक्टिंग तो सुपर डुपर थी। मूवी की स्टोरी कुछ नई नहीं है, ज़्यादा नयापन नहीं है, वही थोड़ी पुरानी स्टोरी, बट फिर भी मूवी बहुत अच्छी है। ये मैं बोल रही हूँ मतलब आपको मूवी देखनी चाहिए, और मूवी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मूवी में जो एक्टिंग करी है विक्रांत ने, विक्रांत का नाम इसमें संजय रहता है, वो एक बिहारी लड़का दिखाया है। मूवी की स्टोरी सिंपल सी है, मतलब एक लड़का और लड़की मिलते हैं कॉलेज में और उनको प्यार हो जाता है। अब वो इंटरकास्ट है और उन्हें शादी करनी है, और घर वाले इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। संजय मतलब विक्रांत वो एक बिहारी लड़के हैं, मतलब बिहार की फैमिली को बिलोंग करते हैं, और बिहारी कल्चर इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। अब बिहारी सुन के ही हमारे दिमाग में आ जाता है वो गुंडा गर्दी एंड ऑल, सब जानते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो विक्रांत की जो फैमिली है ना, वो मतलब ऐसी फैमिली है कि भाई बंदूक लेके खड़े हैं, कब गोली मारनी है, ये वाला हाल। तो सोचे अब इंटर कास्ट शादी कैसे होगी। और कृति, इनका नाम अदिति है इस मूवी में, अदिति की फैमिली भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, उनकी फैमिली ऐसी कि मतलब खड़े हाथ गोलियों से छलनी कर देंगे आपको भाई, ऐसी। तो दोनों की फैमिली बहुत स्ट्रांग है। अब क्या होगा, इनकी शादी कैसे होगी, यही है 14 फेरे। तो इस मूवी में नयापन नहीं था स्टोरी में, बट उसको प्रेजेंट इतने अच्छे से किया गया है और उसकी एक्टिंग इतनी सॉलिड की गई है कि मूवी आप लोगों को कन्फर्म बहुत अच्छी लगेगी। उस मूवी में हमको सब कुछ मिला, मतलब पूरा सोसाइटी का कल्चर, प्रेशर, रोमांस, फैमिली ड्रामा, सब बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो मेरे हिसाब से तो ये मूवी एक कंप्लीट पैकेज है जिसको हमको पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मूवी 1.5 घंटे की है, और वो 1.5 घंटा आप लोग फुल ऑन एंजॉय करेंगे, क्योंकि मतलब ऐसा लगेगा कि हर सीन आपको बांध के रख रहा है, काफ़ी कुछ रियलिस्टिक लगेगा, बट फिर भी रियलिटी नहीं है। वो जो सीन्स हैं उसको रियलिटी से आप लिंक कर सकते हैं फैमिली ड्रामास को, बट स्टिल इन ऑल टोटल मैं बोलूँगी मूवीज फॉर श्योर बहुत अच्छी है और आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। इसी के साथ बाय फ्रेंड्स।